नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार जीएस सेंटर में। आज हम लोग बिहार एसआई का जो है 11वां प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। ठीक, इसके पहले हम लोग 10 प्रैक्टिस सेट बना चुके हैं। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन कि यदि हमारे माता पिता दोनों अथवा दोनों में से कोई एक भारतीय नागरिक हो तो हम हो जाते हैं तो हम क्या हो जाएंगे? जन्मजात भारतीय नागरिक। कौन हो जाएंगे? जन्मजात भारतीय नागरिक। ठीक, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक, भारत में जो है नागरिकता का प्रावधान भारत के संविधान में भाग दो में है। कितने? भाग दो में, जो पाँच से अनुच्छेद 5 से 11 के बीच है। ठीक, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि लोकतांत्रिक सरकार वह शासन व्यवस्था है जिसमें क्या होता है? तो जिसमें क्या होता है? जिसमें सामान्य नागरिकों की भागीदारी होती है, या सामान्य नागरिकों की भागीदारी नहीं होती है, या तानाशाही शक्तियाँ हावी होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? सामान्य नागरिकों की भागीदारी होती है। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि भारतीय नागरिकों में जो है स्थानीय स्वशासन की संस्थाएं क्या कहलाती है? तो भारतीय नगरों में जो है स्थानीय स्वशासन की संस्थाएं क्या कहलाती है? तो नगर निगम। ठीक, नगर है तो इसमें नगर निगम हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि पंचायत समिति के प्रशासन का प्रबंध जो है एक सरकारी अफसर होता है जिसे क्या कहते हैं? तो पंचायत समिति के प्रशासन का प्रबंध एक सरकारी अफसर करता है जिसे प्रखंड विकास पदाधिकारी यानी वीडियो कहते हैं। ठीक, क्या कहते हैं? वीडियो कहते हैं। दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, एवं जो दोस्त नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा जिससे कि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे, एवं जो दोस्त को पीडीएफ चाहिए उसको वो दोस्त हमारे टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में जो है टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है, वहाँ से टेलीग्राम लिंक ज्वाइन करके आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के जनक कौन है? तो भारतीय संविधान के जनक जो है भीमराव अम्बेडकर। भीमराव अम्बेडकर को जो है संविधान के जनक माना जाता है। ठीक, या इसे इन्हें आधुनिक भारत का मनु भी कहा जाता है। क्या? आधुनिक भारत का मनु भी इन्हें कहा जाता है। तथा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि भीमराव अम्बेडकर का जो है चुनाव कहाँ से किया गया था? ठीक, संविधान सभा में उनका चुनाव जो है कहाँ से किया गया था? तो सही आंसर इनका हो जाएगा पश्चिम बंगाल यानी कोलकाता। ठीक, पश्चिम बंगाल से इनका किया गया था चुनाव। ठीक, तथा 10 लाख जो है प्रतिनिधियों पर, 10 लाख जो है कि जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि का चुनाव किया गया था। ठीक, अगला क्वेश्चन है 10 लाख जनसंख्या पर जो है वो विधानसभा के प्रतिनिधि का चुनाव किया। ठीक, और इनका जो है चुनाव पश्चिम बंगाल से संविधान सभा के लिए किया गया था। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान ने भारतीय नागरिकों को कितने प्रकार के मौलिक अधिकार प्रदान किए हैं? तो भारतीय संविधान ने जो है भारतीय नागरिकों को कितने प्रकार के? तो 6 प्रकार के। ठीक, कितने प्रकार के प्रदान किए हैं? 6 प्रकार के। पहले जो है मौलिक अधिकार 7 प्रकार के थे। एक संपत्ति का अधिकार जो है वो उसको हटा दिया गया है, उसको अब अनुच्छेद 300 के ए में रखा गया है। और यह संपत्ति का अधिकार जो है अब विधिक अधिकार है। क्या है? विधिक अधिकार है, यह अब मौलिक अधिकार नहीं है। मौलिक अधिकार जो है संविधान के भाग 3 में है। कितने? भाग 3 में जो है, जो भाग अनुच्छेद 12 से 35 के अंदर है। ठीक, अनुच्छेद 12 से 35 के अंदर है। ठीक, अगला क्वेश्चन है 14 वर्ष से कम आयु के बहुत से गरीब बच्चे पटाखे बनाने वाले कारखानों में काम करते हैं। इन कारखानों में बच्चों को काम देने से किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है? तो किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक, शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है इसके अनुसार इनका शोषण होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा का कार्यकाल कितना का होता है? तो लोकसभा का कार्यकाल जो है कितने वर्षों का? 5 वर्षों का। ठीक, कितने वर्षों का होता है? 5 वर्षों का। ठीक, ये और एग्जाम पूछा जाता है क्वेश्चन है कार्यकाल बढ़ाया गया था, तो 5वें लोकसभा का जो है कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ाया गया था। ठीक, 5वें लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष किया गया था, एवं छठे लोकसभा का जो है कार्यकाल 5 वर्ष से घटाकर 4 वर्ष कर दिया गया था। ठीक, याद रखिएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है भारत की जो है राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो भारत के जो है राष्ट्रपति को पद का शपथ सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन? सुप्रीम कोर्ट के जो है मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। तथा चीफ मिनिस्टर को जो है शपथ, चीफ मिनिस्टर यानी मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? तो राज्यपाल। चीफ मिनिस्टर को शपथ राज्यपाल दिलाता है, एवं प्रधानमंत्री को शपथ राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाएगा? तो राष्ट्रपति। ठीक, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि जनसंख्या के संदर्भ में विश्व में भारत का स्थान कौन सा है? तो जनसंख्या के संदर्भ में जो है विश्व में भारत का स्थान दूसरा है। कौन सा? भारत का स्थान दूसरा है, एवं प्रथम स्थान पर चीन है। प्रथम स्थान पर चीन है, एवं तृतीय स्थान पर
अमेरिका है, कौन है? यूएसए, ठीक। तृतीय स्थान पर यूएसए है एवं क्षेत्रफल के आधार पर भारत जो है सातवां देश है, कौन? इसके पहले सात देश हैं, रूस, चीन, कनाडा, अमेरिका, ठीक, ब्राजील एवं ऑस्ट्रेलिया, ठीक। इसके पहले छः देश हैं और भारत सातवां है, और उसका आठवां देश भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, आठवां देश है अर्जेंटीना। आठवां देश जो है क्षेत्रफल के आधार पर अर्जेंटीना है, और भारत के पास कुल कितने परसेंट भूभाग है पूरे विश्व का? तो 2.42% जो है पूरा विश्व का भारत के पास क्षेत्रफल है, ठीक। अगला क्वेश्चन है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जो है इनमें से कोई भी अर्थव्यवस्था को नियंत्रित नहीं करता है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जो है गवर्नमेंट भी इसे नियंत्रित नहीं करती है, इसमें कुछ गिने चुने लोग जो हैं उन्हें नियंत्रित करते हैं, ठीक। इस पर जो है बाजार पर किसी का नियंत्रण नहीं होता है, ठीक। अगला क्वेश्चन है कि भारत में अधिकांश अदृश्य बेरोजगारी देखी जाती है, तो भारत में जो अधिकांश अदृश्य बेरोजगारी देखी जाती है यानी कृषि में, ठीक, किसमें? कृषि में। कृषि में जो है बहुत सारे व्यक्ति रोजगार में लगे रहते हैं लेकिन उसका जो प्रतिफल शून्य होता है, यानी कि उसका जो है आउटपुट अधिक नहीं निकलता है, ठीक। जहाँ एक व्यक्ति का कार्य होता है वहाँ चार व्यक्ति भी कार्य इसमें करते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल नकदी फसल के रूप में जानी जाती है? तो कौन सी नकदी फसल है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कपास जो है एक नकदी फसल है, ठीक। कौन सा? नकदी फसल। और चावल एवं गेहूँ खाद्य फसलें हैं, ठीक, चावल गेहूँ खाद्य फसलें हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन है कि आर्थिक विकास की दृष्टिकोण से भारत की गिनती होती है, तो आर्थिक विकास की दृष्टिकोण से भारत की गिनती किस क्षेत्र में? तो विकासशील देश में। किसमें? विकासशील देश में, ठीक। विश्व का जो है तीसरी दुनिया किसे कहा जाता है? तो विश्व की जो है तीसरी दुनिया विकासशील देश को ही कहा जाता है, विश्व की तीसरी दुनिया विकासशील देश को, एवं विश्व का चौथा खंभा यानी चौथा दुनिया यानी कि प्रेस को, ठीक। चौथा खंभा पूछा जाता है कि चौथा खंभा किसे संबंधित है? तो प्रेस से, ठीक। अगला क्वेश्चन है, भारत बाहुल्य में आयात करता है, तो भारत जो है बाहुल संख्या में किसका आयात करता है? तो भारत जो है जूट का निर्माता है ही, उसका जूट, नमक, ये सब का उत्पादन कर लेता है, तथा चाय का भी उत्पादन करता है, और LPG जो है इसको आयात करना पड़ता है, क्या? पेट्रोलियम LPG भारत को दूसरे देशों से आयात करना पड़ता है, ठीक। अगला क्वेश्चन है कि भारत में जो है उपभोक्ता अधिनियम कब पारित किया गया? तो भारत में जो है उपभोक्ता अधिनियम कब पारित किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा 1986 में, ठीक। कब पारित किया गया? 1986 में, और यह लागू हो गया 1987 में, ठीक। उपभोक्ता अधिनियम जो है 1986 में पारित हुआ और लागू हो गया 1987 में, ठीक। अगला क्वेश्चन है, सरदार किस नदी पर नर्मदा नदी पर, ठीक। इसी बांध के कारण जो है बहुत सारे परेशानियां आ रही थी, जिसके कारण नर्मदा बचाओ आंदोलन चलाया गया था। कौन सा? नर्मदा बचाओ आंदोलन जो है इसी सरदार सरोवर बांध के कारण ही चलाया गया था, और इसके आंदोलन चलाने वाले कौन थे? तो आंदोलन चलाने वाले थे मेधा पाटेकर, नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित है मेधा पाटेकर, याद रखिएगा मेधा पाटेकर, ठीक। अहमदाबाद जो है किस नदी किनारे स्थित है? तो अहमदाबाद जो है साबरमती किनारे स्थित, ठीक। अहमदाबाद जो है साबरमती नदी के किनारे स्थित है, तथा कावेरी नदी के किनारे श्रीरंगपट्टनम किस नदी किनारे? तो कावेरी नदी किनारे हो जाएगा, तथा नर्मदा नदी को जो है गुजरात की जीवन रेखा, ठीक। गुजरात की जीवन रेखा किस नदी को कहते हैं? तो नर्मदा नदी को जो है गुजरात की जीवन रेखा कहा जाता है, गुजरात की जीवन रेखा नर्मदा नदी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो है फिल्म के क्षेत्र में, किस क्षेत्र में? फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक। और दादा साहेब फाल्के जो है फिल्म निर्माता जो है भारत के फिल्म निर्माता के पितामह, ठीक। किसे कहा जाता है फिल्म के पितामह भारत में? दादा साहेब फाल्के को, ठीक। इनका पूर्ण नाम है घुंडी राज दादा साहेब फाल्के, ठीक। अर्थात ये जो है प्रथम फिल्म निर्माता थे, जैसे इनके प्रथम फिल्म थे राजा हरिश्चंद्र, ठीक, जो है प्रथम फिल्म थी मुख्य फिल्म राजा हरिश्चंद्र, ठीक। तथा साहित्य के क्षेत्र में जो है पुलित्जर पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, तथा खेल कूद के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार भारत में जो है राजीव गांधी पुरस्कार जो है 1991 में प्रारंभ किया गया था, और इसके प्रथम पंक्ति है तो शतरंज से, ठीक। तथा खेल कूद के क्षेत्र में जो है राजीव गांधी पुरस्कार भी दिया जाता है, और इस वर्ष जो है
खेल के क्षेत्र में जो है अर्जुन पुरस्कार भी दिया जाता है, जिसकी स्थापना 1961 में किया गया था। कब? 1961 में है, ठीक। इस वर्ष जो है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दीपा मलिक एवं बजरंग पुनिया को दिया गया है, ठीक, दीपा मलिक एवं बजरंग पुनिया, ठीक। अगला क्वेश्चन है कि किस देश में, किस राज्य में एलोरा की गुफाएं स्थित है, किस राज्य में जो है एलोरा की गुफाएं स्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। किस राज्य में? महाराष्ट्र में। अजंता एवं एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित है, ठीक। एलोरा की गुफाएं जो है बौद्ध धर्म से एलोरा गुफा जो है इसके निर्माणकर्ता कौन? राष्ट्रकूट शासक है। कौन? राष्ट्रकूट शासकों ने जो है एलोरा की गुफाएं का निर्माण करवाया था, ठीक। और हम्पी जो है, हम्पी जो कर्नाटक में स्थित है, कहाँ? कर्नाटक में। हम्पी जो है कर्नाटक में स्थित है, जो तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के? तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है हम्पी, जो कि जो है विजयनगर साम्राज्य की अवशेष है, ठीक। विजयनगर साम्राज्य की भगवान अवशेष जो है हम्पी, जो कि तुंगभद्रा नदी पर स्थित है, ठीक। अगला क्वेश्चन है कि विंबलडन चैंपियनशिप किस खेल से संबंधित है, तो विंबलडन चैंपियनशिप जो है किस खेल से? टेनिस से। किस से संबंधित है? टेनिस से, ठीक। भारत के जो है प्रथम खिलाड़ी जो भी टेनिस प्रतिस्पर्धा जीतने वाले कौन है? रामनाथन कृष्णन, ठीक। कौन है? रामनाथन कृष्णन। और विंबलडन विश्व टेनिस प्रतियोगिता, चार प्रतियोगिता है विंबलडन, ठीक। विंबलडन ओपन, यूएस ओपन, ठीक, उसके बाद फ्रेंच ओपन और ऑस्ट्रेलियन ओपन। कौन सा? विंबलडन, यूएस, फ्रेंच और ऑस्ट्रेलियन, ठीक। और सबसे पहले इसमें जो है विंबलडन ही खेला जाता है, उसके बाद फ्रेंच खेला जाता है, और उसके बाद यूएस, और उसके बाद ऑस्ट्रेलियन, ठीक। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि विश्व प्रसिद्ध थार रेगिस्तान कहाँ स्थित है, तो विश्व प्रसिद्ध जो है थार रेगिस्तान कहाँ स्थित है? राजस्थान में। राजस्थान या उत्तरी भारत भी इसे कहते हैं, उत्तरी भारत या राजस्थान एवं पंजाब में भी यह फैला हुआ है, ठीक। और राजस्थान जो है विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल है, विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल राजस्थान है, जिसमें 83% रहते हैं, प्रति वर्ग किलोमीटर 83% रहते हैं, ठीक। और विश्व का सबसे बड़ा जो है मरुस्थल सहारा है, जो कि उत्तरी अफ्रीका में स्थित है, ठीक। कहाँ? उत्तरी अफ्रीका में, ठीक। अगला क्वेश्चन है कि भारत का जो है राष्ट्रीय पशु कौन सा है, तो भारत का राष्ट्रीय पशु जो है कौन सा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कौन सा है? बाघ है। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। एवं भारत का जो है विश्व विरासत पशु कौन सा है, तो भारत का जो है विरासत पशु कौन सा है? हाथी। भारत का जो है विरासत पशु हाथी है। एवं नेपाल का जो है राष्ट्रीय पशु कौन सा है, तो नेपाल का राष्ट्रीय पशु कौन सा है, तो नेपाल का राष्ट्रीय पशु हो जाएगा गाय। एवं भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ, ठीक। अगला क्वेश्चन है कि श्वेत क्रांति किससे संबंधित है, तो श्वेत क्रांति जो है किससे? दूध से। किससे संबंधित है? दूध से, ठीक। और श्वेत क्रांति का जनक किससे माना जाता है, तो श्वेत क्रांति का जनक वर्गीज कुरियन को। किसको? वर्गीज कुरियन को, ठीक। वर्गीज कुरियन को जो है श्वेत क्रांति के जनक माना जाता है। अमूल डेयरी के संस्थापक भी जो है वर्गीज कुरियन है, आनंद डेयरी, ठीक। आनंद डेयरी को जो है संस्थापक वर्गीज कुरियन है। कौन? आनंद डेयरी जो है गुजरात में प्रचलित है, जो इसके संस्थापक वर्गीज कुरियन है, ठीक। अगला क्वेश्चन है कि नील नदी कहाँ गिरती है, तो नील नदी जो है कहाँ गिरती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कहाँ गिरती है? भूमध्य सागर में। कहाँ गिरती है? भूमध्य सागर में, ठीक। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान सर्वाधिक वर्षा के लिए प्रसिद्ध है, तो कौन सा स्थान जो है सर्वाधिक वर्षा के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मसीनराम। लगभग 1100 सेंटीमीटर से भी ऊपर अधिक यहाँ वर्षा होती है मसीनराम में, ठीक। विश्व का सबसे अधिक वर्षा यहीं पर होता है। अगला क्वेश्चन है कोचिंग किसके लिए प्रसिद्ध है, तो कोचिंग जो है किसके लिए? जहाज निर्माण के लिए। कहा किसके लिए? जहाज निर्माण के लिए कोचिंग प्रसिद्ध है। और यह एक केरल का शहर है, केरल का जो है यह एक कोचिंग बंदरगाह भी है, ठीक। केरल का एक कोचिंग बंदरगाह है, यहाँ पर जहाज निर्माण का कार्य होता है, ठीक। अगला क्वेश्चन है कि काला सागर किस देश के दक्षिण में स्थित है, तो काला सागर जो है किस देश के दक्षिण में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, किसके? रूस के दक्षिण में काला सागर स्थित है, ठीक। अगला क्वेश्चन है इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में निर्मित की गई है, तो इंदिरा गांधी नहर जो है किस राज्य में? राजस्थान में। कहाँ की गई है? राजस्थान में। और यह किस नदी पर स्थित है? तो सतलज। इसको पानी कहाँ से मिलता है? तो सतलज कहाँ से निकलती है? तो हरिके बैराज से। कहाँ से निकलती है? तो हरिके बैराज से। और इससे लाभान्वित होने वाले राज्य राजस्थान, हरियाणा एवं हिमाचल प्रदेश, ठीक। राजस्थान, हरियाणा, पंजाब एवं हिमाचल प्रदेश, ठीक। अगला क्वेश्चन है कि भारत में जो है आलू कौन लाए थे, तो भारत में जो है आलू कौन लाए थे? तो भारत में आलू पुर्तगालियों ने लाया था। कौन? पुर्तगालियों ने, ठीक। तो भारत में जो है सबसे पहले आने वाले यूरोपीय पुर्तगाली थे एवं सबसे बाद में जाने वाले पुर्तगाली थे। सबसे पहले आने वाले एवं सबसे बाद में जाने वाले पुर्तगाली थे, जो 1498 में आए थे और 1961 में
1961 तक इनका गोवा पर अधिकार था, ठीक। 1498 में आए और 1961 में भारत से गए थे, ठीक। अगला क्वेश्चन है कि विवादास्पद पुस्तक लज्जा की लेखिका कौन है, तो विवादास्पद पुस्तक लज्जा की लेखिका कौन है, तो तस्लीमा नसरीन। कौन है? तस्लीमा नसरीन। यह एक जो है बांग्लादेश की लेखिका है। कौन? बांग्लादेश की लेखिका है, ठीक, जो भारत में शरण लेकर रहती है, ठीक। अगला क्वेश्चन है कि ऐ मेरे वतन के लोगों आँख में भर लो पानी गीत किसके द्वारा लिखी गई है, तो ऐ मेरे वतन के लोगों आँख में भर लो पानी यह कवि प्रदीप के द्वारा, किसके द्वारा? कवि प्रदीप के द्वारा लिखी गई है, ठीक। अगला क्वेश्चन है कि गुलबदन बेगम कौन थी, तो गुलबदन बेगम जो है कौन थी, तो इसका जो है नूरजहाँ की बहन थी, इसमें सही चूज करना है। उसके बाद हुमायूं नामा की लेखिका थी, यह इसको फतेहपुर सीकरी में दफनाया गया था और यह हुमायूं की बहन थी, तो गुलबदन बेगम जो है हुमायूं की बहन थी तथा हुमायूं नामा की लेखिका थी। दो और चार सही है तथा इसे जो है तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक। हुमायूं नामा की लेखिका कौन है, तो गुलबदन बेगम और यह हुमायूं की बहन थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। संविधान का जो है 74वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शहरीय स्थानीय निकायों से। किससे? यानी नगर निगम से। 74वां संविधान संशोधन नगर निगम से संबंधित है एवं 73वां जो है किससे? पंचायत से, ठीक से, किससे? पंचायती राज से संबंधित है। 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज से तथा 74वां नगर निगम से, ठीक। अगला क्वेश्चन है कि एम ए खुसरो कौन थे, तो एम ए खुसरो जो हैं 11वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। कौन थे? 11वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। और अभी जो है 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो एन के सिंह। अभी वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? एन के सिंह, ठीक। अगला, स्वराज दल का विश्वास क्या था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि संपूर्ण स्वराज में जो है स्वराज दल का विश्वास किस में था, तो संपूर्ण स्वराज में, ठीक। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो लारा हरदयाल जो है गदर पार्टी के संस्थापक थे, ये सही है। तो भूपेंद्र नाथ जो है आज़ाद हिंद फौज के अध्यक्ष थे, आज़ाद हिंद फौज की पार्टी के सदस्य थे, ये भी सही है। तथा एम जी रनाडे जस्टिस पार्टी के संस्थापक, ये सही नहीं है, ठीक। एम जी रनाडे जो है जस्टिस पार्टी के संस्थापक नहीं थे, ठीक। और एनी बेसेंट जो है होम रूल की संस्थापक थे, एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक जो थे ये होम रूल लीग के स्थापना किए थे, जो बाल गंगाधर तिलक की जो होम रूल लीग जो है महाराष्ट्र में तथा एनी बेसेंट की जो है होम रूल लीग अन्य भारत में प्रचलित थी, ठीक। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है, ठीक, तो संविधान की पहली सूची इसको मिलान करना है, ठीक, तो कौन कौन सी सूची किसे संबंधित है, तो तीसरी सूची जो है किसे संबंधित है, तीसरी सूची जो है राज्यसभा की सीटों के आवंटन से, किसे? राज्यसभा की सीटों के आवंटन से, तो एक का हो जाएगा तीसरी अनुसूची जो है शपथ, तीसरी अनुसूची हो जाएगा शपथ, ठीक, शपथ और घोषणा पत्र से, और चौथी हो जाएगी राज्यसभा की सीटों के आवंटन से, चौथी राज्यसभा की सीटों के आवंटन से, और आठवीं जो है भाषा संबंधित है एवं दसवीं जो है दल बदल से, तो इसमें मिला लेंगे कौन मेरा सही हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है एक भूकंप का कोणांक आवृत्ति की तीव्रता मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं, तो एक भूकंप की कोणांक आवृत्ति ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, रिएक्टर स्केल जो है इसका तीव्रता मापा जाता है, भूकंप की तीव्रता जो है रिएक्टर स्केल से ही मापा जाता है तथा भूकंपों का अध्ययन सिस्मोलॉजी या भूकंप से संबंधित अध्ययन को सिस्मोग्राफ कहते हैं, ठीक, और इसका जो है तीव्रता रिएक्टर स्केल से मापा जाता है, ठीक। अगला क्वेश्चन है कि ऋग्वेद किस काल के देवता है, ऋग्वेद काल के देवता है, तो ऋग्वेद काल के देवता कौन कौन है, तो ऋग्वेद के जो है काल के देवता इंद्र एवं अग्नि है, कौन है? इंद्र एवं अग्नि, ठीक। इंद्र के लिए 250 सूक्त एवं अग्नि के लिए लगभग 200, ठीक, याद रखिएगा इतना इन लोग के बारे में चर्चा है, इसलिए ऋग्वेद काल के देवता इंद्र एवं अग्नि हो जाएंगे, ठीक, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है महात्मा बुद्ध के प्रभाव से जो गणिका बौद्ध भिक्षुणी बन गई वह कौन थी, तो महात्मा बुद्ध के प्रभाव से जो है गणिका बौद्ध भिक्षुणी बन गई वह थी अमरपाली, कौन थी? अमरपाली, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अमरपाली, ठीक। अगला क्वेश्चन है ध्वनि का वेग जो है सूखी हवा से नमी हवा में कम है, इसका सही चूज करना है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा 41 का, सूखी हवा से जो है नमी हवा में अधिक होती है, ठीक, ध्वनि का वेग सूखी हवा से अधिक, नमी हवा में ध्वनि का वेग अधिक होता है, ठीक। अगला क्वेश्चन है 42 यदि लड़की बैठ
बैठते हुए एक झूला झूल रही है। यदि वह लड़की झूले पर खड़ी हो जाती है तो झूलने की समय अवधि पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, झूलने की जो है अवधि घट जाएगी। क्या हो जाएगा? झूलने की अवधि घट जाएगी। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि रेल की दो रेल संधियों के बीच अंतराल रखा जाता है किस कारण? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 43 का ऑप्शन नंबर, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, रेखीय विस्तार को समायोजित करने के लिए। क्या? रेखीय विस्तार को समायोजित करने के लिए। ठीक दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, एवं जो दोस्त नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, जिससे कि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक, तथा इस वीडियो को जो है अपने उस दोस्तों को तक पहुँचाएगा जो दोस्त बिहार दरोगा मेंस की तैयारी कर रहे हैं, उनके पास पहुँचाएगा, जिससे कि उनका स्कोर एग्जाम में अच्छा हो सके। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि एक चमकते हुए धातु के फलक जिसमें एक खुरदरे काले धब्बे को लगभग 1400 केल्विन तक गर्म किया जाता है तो एवं तुरंत एक अंधेरे कमरे में लाया जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही होगा? तो इसका जो सही कथन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फलक के और सभी जगह की अपेक्षा धब्बा उज्ज्वलतर दिखाई देगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक, क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि कोई वस्तुएं अधिक निम्न तापक्रम पर अपने विद्युत प्रतिरोध खो देती है, इन वस्तुओं को क्या कहते हैं? तो इन वस्तुओं को जो है इसका सही आंसर हो जाएगा 45 का क्या कहते हैं? अतिचालक। क्या कहते हैं? अतिचालक। तथा अर्धचालक जो है इसको जो है गर्म करने पर इसकी चालकता और बढ़ जाती है, अर्धचालक की जो है चालकता बढ़ जाती है। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यदि किसी तत्व का विद्युत धारा दोगुना कर दिया जाए है तो उसका ऊष्मा पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो विद्युत किसी यदि किसी तत्व में विद्युत धारा दोगुना कर दिया जाता है तो उसकी उत्पादित ऊष्मा पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो वो चार गुना हो जाती है। कितना हो जाता है? चार गुना। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या होता है? चार गुना। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि 220 वोल्ट 50 वाट के विद्युत बल्ब को 22 घंटे तक जलाया जाए तो किलोवाट घंटा में ऊर्जा की खपत क्या होगी? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 11 वाट, यानी कि 22 × 50 हम करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1100 वाट। ठीक, और 1000 वाट बराबर 1 यूनिट होता है तो यह क्या हो जाएगा? 1.1 यूनिट। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1.1 यूनिट, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक, क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कण एक परमाणु के द्रव्यमान को निर्धारित करता है? तो परमाणु द्रव्यमान बराबर क्या होता है? पी प्लस एन। क्या होता है? पी प्लस एन, यानी प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन जो है परमाणु द्रव्यमान होता है। ठीक, तो हमसे द्रव्यमान संख्या पूछा गया है तो ए बराबर पी प्लस एन होता है, यानी द्रव्यमान संख्या प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि नाभिकीय रिएक्टर में जो है भारी जल का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो नाभिकीय रिएक्टर में जो है भारी जल का प्रयोग द्रुत न्यूट्रॉनों को गति को कम करने के लिए, किसके लिए? तो न्यूट्रॉनों की गति को कम करने के लिए जो है भारी जल का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर प्रॉपर्टी में सबसे बहुमूल्य तत्व कौन सा है? तो पृथ्वी को जो है प्रॉपर्टी में सबसे बहुमूल्य तत्व, इसका सही आंसर हो जाएगा 50 का क्या है? ऑक्सीजन। क्या है? ऑक्सीजन जो है सबसे अधिक मानव शरीर में भी और पृथ्वी के भू प्रॉपर्टी में भी पाया जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है न्यूट्रॉन के खोजकर्ता कौन है? तो न्यूट्रॉन के खोजकर्ता कौन है? चैडविक। कौन है? चैडविक। जे जे थॉम्सन जो है इलेक्ट्रॉन के हैं और रदरफोर्ड जो है रदरफोर्ड जो है प्रोटॉन के। प्रोटॉन कैसे खोज करता है गोल्डस्टीन, तथा प्रोटॉन के बारे में विस्तृत जानकारी रदरफोर्ड ने दी थी। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि तत्वों में जिनके विभिन्न नाभिकीय आवेश हैं परंतु द्रव्यमान संख्या समान है उसे क्या कहते हैं? तो जिनके जो है द्रव्यमान समान होते हैं उसे संभारिक, तथा जिनके जो है परमाणु संख्या समान होते हैं उन्हें समस्थानिक कहता है, और जिनके समान न्यूट्रॉनों की संख्या होते हैं उसे सम न्यूट्रॉनिक कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि केंद्रक का इसके न्यूक्लियन में गठन होने में क्या होता है? तो केंद्रक का इसके न्यूक्लियन से गठन होने में क्या होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा द्रव्यमान में घटाव। क्या होगा? द्रव्यमान में घटाव होगा। ठीक, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 53 का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि द्रव्यमान में घटाव हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जो है किसका उच्चतम गलनांक है? तो किसका उच्चतम गलनांक है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, किसका? NaCl का जो है उच्चतम गलनांक हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है इस ऑप्शन के अनुसार। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जलीय घोल से होकर एक विद्युत धारा को प्रवाहित किया जाता है तो कौन सा विखंडित होगा? तो कौन विखंडित होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा 55 का ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, सिल्वर नाइट्रेट। क्या हो जाएगा? सिल्वर नाइट्रेट। ठीक, अगला क्वेश्चन है ऑक्जेलिक अम्ल के घोल के विरुद्ध कास्टिक सोडा घोल का अनुमापन के लिए अच्छा सूचक क्या है? तो ऑक्जेलिक अम्ल के घोल के विरुद्ध के कास्टिक सोडा के लिए घोल के अनुमापन
के लिए अच्छा सूचक क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 56 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी फेनोल नॉफ्थिन क्या होगा, फेनोल नॉफ्थिन। ठीक, अगला क्वेश्चन है, यदि एक लौह तार को कॉपर सल्फेट के घोल में रखा जाता है तो क्या होता है, तो एक कॉपर सल्फेट को जो है एक लौह तार को कॉपर सल्फेट के जो है घोल में रखा जाता है तो क्या होता है, तांबा जो है अवक्षेपित हो जाता है, क्या हो जाता है, तांबा अवक्षेपित हो जाता है। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जल के क्वथनांक को जो है रिक्त के तापक्रम के रूप में परिभाषित किया जाता है, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर जो हो जाएगा कि जल का जो है वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है, किसके बराबर, जल का जो है वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, अगला क्वेश्चन है कि जब किसी घोल का एक अर्धपरागम्य द्वारा उसके विलायक से पृथ्वी तक पृथक किया जाता है तब इस घटना को क्या कहते हैं, तो तब इस घटना को क्या कहते हैं, परासरण, क्या कहते हैं, परासरण। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि स्नेहक कोलाइडी से जाना जाता है, स्नेहक कोलाइडी को जाना जाता है किस रूप में, तो स्नेहक कोलाइडी को जो है किस रूप में जाना जाता है, इसका सही